हाय फ्रेंड, देखिए रेलवे इक्विपमेंट बोर्ड यानी कि RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकल चुकी है। तो चलिए देखते हैं पूरी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं, चाहे ITI हो, डिप्लोमा हो, या फिर हाई स्कूल में प्लस क्या इंटरमीडिएट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। सो यहाँ देखिए, अभी दिखा रहा है कि 20 जनवरी 2024 से चालू हो जाएगा और 19 फरवरी 2024 तक रात के मतलब कि 12 बजे से 1 मिनट पहले तक एक्टिव रहेगा। और 20 फरवरी 2024 तक आप मॉडिफिकेशन कर सकेंगे अगर कोई भी गलती रहेगा तो, 20 फरवरी से 29 फरवरी तक के बीच में, ठीक ना। 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में अगर जो आपके कुछ भी गलती हुआ है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए आप लिखा है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विद विंडो फॉर करेक्शन इन अप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट मॉडिफिकेशन फ़ी। तो आप इसमें मॉडिफिकेशन कुछ भी गलती हो तो कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए पोस्ट जो है असिस्टेंट लोको पायलट का यानी कि ALP का जो है, तो टोटल वैकेंसी आपका 5,996। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल जनरल वालों का मांगा है। 1/7/2024 तक आपका मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और अधिकतम जनरल वालों का 1/7/2024 तक 30 साल होना चाहिए। मेडिकल इसमें ग्रेड ए लेवल का होता है स्टैंडर्ड, और आपका बेसिक पे जो होता है 19,900 होता है। यहाँ पर देखिए फ्री ट्रेन ट्रेवलिंग फैसिलिटी के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि फ्री स्लीपर क्लास यानी कि स्लीपर क्लास में आपको ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए कुछ क्राइटेरिया दिया है कि SC/ST कैंडिडेट ऑन रिक्वेस्ट विल बी प्रोवाइड विथ द ई का लेटर फॉर वेरियस स्टेज फॉर ऑफ सिलेक्शन विद CBT और CBAT या TV मेडिकल एग्जामिनेशन एज एप्लीकेशन एज पर डिटेल एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फर्निश इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपका सबसे पहले यहाँ देखिए दिया है कि SC/ST का ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगाना पड़ेगा और जो है मेडिकल लगाना पड़ेगा, और जो आपका ऑनलाइन किए रहेंगे वो लगा के आप यहीं से पास बना लेंगे और आपको रेलवे स्लीपर में सो के या बैठ के जाने के लिए एग्ज़ाम देने आप जा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए आपका जो मेडिकल में होगा तो उसमें जो है देखिए यहाँ पर बता रहा है कि ए लेवल का आपका इसमें मेडिकल होता है, ठीक, और जो है 6x6 का आपका इसमें लेगा और बिना ग्लास का यानी कोई भी चश्मे बिना चश्मे का आपको इतना का 6x6 का दिखना चाहिए, ठीक ना। एज लिमिट के बारे में दे रहा है तो देखिए 18 से 30 साल दिया हुआ है, ठीक। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा लेकिन देखिए SC और ST वालों को, ठीक ना, 5 साल का मिलेगा। OBC वालों को 3 साल का मिलेगा। एक सर्विस मैन जो है तो इनको आपको देखिए दिया हुआ है जो एक सर्विस मैन है तो जो जनरल में यानी कि ER AEWS वालों को 3 साल का मिलेगा, और जो एक सर्विस मैन है OBC वो उनको 6 साल का मिलेगा, और एक सर्विस मैन जो SC/ST में है उनको 8 साल का छूट मिलेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए जैसे कि कोई अगर ग्रुप C या ग्रुप D में यहाँ पर 3 साल तक अगर सर्विस कर लिया है तो उनको जो कि एज रिलैक्सेशन जो है EWS के लिए 40 साल, OBC के लिए 43 साल और SC/ST के लिए 45 साल दिया हुआ है एज। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जो है UR और EWS वालों 2 जुलाई 1994 को उनकी जन्म हो गई तो वो फार्म भर सकते हैं। OBC वाले जो है 2 जुलाई 1991 तक, और SC/ST वाले अगर जो 1989 में पैदा हुए हैं 1989 में तो वो फार्म भर सकते हैं। और सभी आल कैंडिडेट जो कि एज लिमिट दिया हुआ है 1/7/2006 तक, यहाँ मतलब कि मिनिमम यानी कि इतने तक आप इससे पहले पैदा हुए हों तभी भर सकते हैं, इसके बाद नहीं। 1 जुलाई 2006 से पहले आप पैदा हुए हैं तो आप फार्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फीस के बारे में दिया है तो देखिए लिख रहा है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो SI No. 2 आउट ऑफ दिस फी ऑफ ₹500 एंड अमाउंट ₹400 शैल बी रिफंड ड्यूरिंग डिडक्टिंग बैक चार्ज ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। यानी कि पहले आपका जो है
₹500 लेगा जनरल और ओबीसी वालों का, ईडब्ल्यूएस वालों का, तो उन लोगों को ₹400 बाद में रिफंड मिल जाएंगे, लेकिन कब, जब वो CBT 1 का एग्ज़ाम देंगे उसके बाद। उसी प्रकार जो SC ST वाले हैं तो उन लोगों का सिर्फ ₹250 लगेगा, और उनका जो है ना, यहाँ देखिए लिखा है तो फी ऑफ ₹250 शैल बी रिफंड बाय डेली डिडक्टेड बाय चार्ज एज एप्लीकेशन ऑन अपेयरिंग फर्स्ट CBT 1, यानी कि इनका ₹250 पूरा रिफंड हो जाएगा SC ST वालों का, ये भी अब जब CBT 1 एग्ज़ाम दे देंगे। तो यहाँ देखिए सिलेबस दिया है मैथमेटिक्स में, नंबर सिस्टम, बोर्ड, मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, ACF, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ठीक। इसी प्रकार मेंटल एबिलिटी में देखिए दिया हुआ है एनोलॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, देखिए सब दिया हुआ है, तो आप वीडियो पेज करके सब देख सकते हैं सिलेबस का। यहाँ देखिए जनरल साइंस में आपका वही दिया है, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, 10th स्टैंडर्ड, यानी कि हाई स्कूल से सभी पूछेगा, NCERT का जो बुक है, ठीक, उससे ये सभी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। और जनरल अवेयरनेस में देखिए करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंस, देखिए पॉलिटिकल एंड जो अदर जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उनसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक। ये सेकेंड स्टेज CBT 2 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो है कि सॉर्टिंग ऑफ कैंडिडेट CBT 2 सेल बी डोन RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज मार्क एंड मेरिट CBT 1, जो भी CBT 1 दिए रहेंगे, तो अभी आपको जैसे बताया कि जनरल वालों का 40, OBC वालों का 30 और AC वालों का 30 और ST वालों का 25 पर मेरिट बनेगा, तो मिनिमम तो जो इसमें पास कर पाएंगे CBT 1 में वही CBT 2 का एग्जाम में बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिया है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं CBT 2 में ना, वो 15 टाइम लिए जाएंगे, यानी कि जैसे कभी मान लीजिए 5600 ऐसे कुछ 96 वैकेंसी है ना, तो उसका 15 गुना लिए जाएंगे, यानी कि 15 से गुणा करिए उतने में, तो उतने गुना लिए जाएंगे, यानी 15 75,000 मान चलिए 80-90,000 बच्चे लिए जाएंगे CBT 2 के लिए, ठीक। फिर द फाइनल पर्सनल ऑफ ALP विल बी इम्प्रूव्ड ओनली द बेसिक ऑफ मार्क एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन CBT 2 एंड CBET, यानी कि जो आपका है जो पहले में सिर्फ पासिंग है CBT 1 में, और CBT 2 के मार्क आपको यहाँ से जुड़ेंगे, CBT 1 के मार्क नहीं जुड़ेंगे, ये बताया गया इसमें। अब देखिए CBT 2 दे गया है पैटर्न एंड सिलेबस CBT 2 का क्या है, तो देखिए CBT 2 में सेल कंप्रोप्राइज ऑफ 2 पार्ट B, देखिए पार्ट ए होगा और पार्ट बी, आपका 2 एग्ज़ाम होगा, और दोनों एग्ज़ाम का टोटल टाइम होगा 2 hours 30 minutes, यानी 2 घंटा 30 मिनट आपका टोटल समय होगा, ठीक ना, CBT 2 में ना, इसमें टोटल 175 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। अब देखिए जो पार्ट ए है इसमें टोटल आपको 90 मिनट का समय रहेगा और 100 क्वेश्चन इसमें आपको रहेंगे, फिर कुछ समय आपको बैठाया जाएगा 15 मिनट आधा घंटा, उसके बाद फिर आपको जो है पार्ट बी का एग्ज़ाम देना होगा, और उसमें आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, और टोटल आपको 75 क्वेश्चन आपको इसमें रहेंगे जो आपके ट्रेड से 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको मिनिमम 35% पासिंग के लिए लाना होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक। और देखिए यहाँ पर भी दिया है कि यहाँ पर नॉर्मलाइज होगा जो भी CBT एग्जाम होगा, क्योंकि मान लीजिए 15 गुना लिया जाएंगे तो उतने बच्चे रहेंगे, तो कई पैटर्न में एग्जाम होगा, तो यहाँ पर नॉर्मलाइज होगा यहाँ पर भी। उसके बाद से देखिए पार्ट ए में जो आपकी मिनिमम EWS वालों को 40%, OBC वालों को 30, OSC वालों का भी 30%, और ST वालों का वही मतलब कि 25% लाना होगा, ठीक। अब देखिए सिलेबस जो है पार्ट ए का, देखिए यहाँ पर दिया है मैथमेटिक्स, अब देखिए सिलेबस दिया हुआ है जो है पार्ट ए का, तो देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में दिया है, जनरल इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग दिया है, बेसिक साइंस दिया है, तो देखिए इनमें से यही सब है, नंबर सिस्टम, बोर्ड, मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, ACF, ये सब है आपका मैथमेटिक्स में। जनरल इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग में देखिए एनोलॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, ये सब है आपका, ठीक, पढ़ लीजिएगा आपको। और बेसिक साइंस में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, ये देखिए इसमें से ये टॉपिक आपका रहेगा, दो ब्रॉड टॉपिक दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन, वीव्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, नेस, जियोमेट्रिक फिगर, सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हेड एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेवल एंड सिंपल मशीनेस, ऑक्यूपेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, IT, लिटरी, ETC, मतलब कि ये सभी सिलेबस हैं जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिया है सिलेबस पार्ट बी के लिए, ठीक।
देखिए यहाँ पर भी आपको क्वालिफाई परसेंटेज कम से कम 35% मार्क आपको लाना पड़ेगा, देखिए अपने ट्रेड से, ठीक ना, ये आपके ट्रेड से क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको 35% मार्क लाना होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए कैंडिडेट ITI ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफाइड विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड, डिग्री मतलब कि अगर ITI किया तो उससे आएगा, और डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सेलेक्ट अन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ट्रेड लिस्टेड बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो जैसा आपका जो भी आप उसमें चुनेंगे उसी से रिलेटेड उसी ITI ट्रेड से आपका क्वेश्चन आएगा। अब देखिए जो पार्ट बी में क्वालिफाइंग टेस्ट जो है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ट्रेड मांगा है, यहाँ पर ट्रेड दिया हुआ है ट्रेड और सब्जेक्ट आप चॉइस फॉर पार्ट बी, तो इसमें आप ये ट्रेड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ आप इसी ट्रेड में से चुन सकते हैं सब ट्रेड, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दिया है फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी, तो आप इसमें स्लीपर में फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर आप SC ST से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद से जो एप्लीकेशन है उसका वो लगाकर आप स्लीपर में फ्री में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। वो है कि आपका पे स्केल क्या है, तो पे स्केल 19,900 है और नाम क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट है, और लेवल जो है 7th पेपर आपको मिलेगा, और आपका जिसमें देखिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है तो मेट्रिकुलेशन और SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT या SCVT इन द ट्रेड ऑफ फीटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मिलवायर मेंटेनेंस मैकेनिक, उसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड टीवी में हो, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, या मैकेनिक मोटर व्हीकल में हो, इलेक्ट्रिक मैकेनिक हाँ मोटर व्हीकल में हो, वायरमैन या ट्रैक्टर मैकेनिक हो, आर्मेचर एंड कॉइल वेल्डर है, मैकेनिक अगर डीजल से किए हैं, हीटर इंजन अगर आपका ट्रेड है, टर्नर मशीनिस्ट रेफरेंस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, तो आपका ITI ट्रेड है, ठीक ना। फिर यहाँ दिया है आर मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस द ट्रेड मेंशनल एवो, यानी कि जो भी ट्रेड दिया है उसमें से अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया तो आप फार्म भर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा देखिए यहाँ पर मेट्रिकुलेशन SSL 3 ईयर डिप्लोमा यदि आपने किया है किसमें किसमें, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग में यदि आपने डिप्लोमा किया है तो 3 साल का, तो आप फार्म भर सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर अगर आपने इसमें से कोई डिग्री किया है तो भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जून वाइज किस जून में कितना सीट है तो दिया हुआ है, ठीक ना। तो अहमदाबाद से देखिए वेस्टर्न अहमदाबाद के वेस्टर्न रेलवे से दिया है टोटल UR के लिए 75, SCS के लिए 37, ST के लिए 17, OBC के लिए 65, EWS के लिए 24, टोटल 229। यहाँ पर देखिए बंगलोर से 473 सीट है, 219 भोपाल से है, भुवनेश्वर से 280 है, सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए बिलासपुर से है जिसमें आपका सेंट्रल रेलवे और SCR सेंट्रल ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे इसमें आपका सबसे ज़्यादा है, तो इसमें दो जोन है सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक ना। तो इसमें आपको टोटल वैकेंसी जो है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में आपका 1192 सीट है, जैसे UR के लिए 483, SC के लिए 179, ST के लिए 189, OBC के लिए 322, EWS के लिए 119, ठीक ना। गोरखपुर से देखिए दिया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इसमें EWS के लिए 18, 7, 13, मतलब टोटल ऐसे 43 वैकेंसी है। तो आपको क्या करना है ना, सरकारी रिजल्ट पर आपको आ जाना गूगल पर, सरकारी रिजल्ट .com, उसके बाद से ऊपर आएगा सरकारी रिजल्ट, उस पर क्लिक करेंगे आपको इसमें आ जाना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पर नीचे जो है लेटेस्ट जॉब में दिया है, लेटेस्ट जॉब में आपका जो ये दिया है ना रेलवे RRB देखिए सबसे ऊपर भी दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर भी देखिए आपका दिखा रहा है जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये है, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप वालों को 250 रुपये है, ऑल कैटेगरी जो महिलाएं हैं उनका 250 रुपये है, और देखिए जो UR OBC EWS वाले हैं उनका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद, CPT बन देने के बाद, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप और सभी महिलाओं का जो 250 रुपये दी हैं उनका 250 रुपये रिफंड हो जाएगा, ठीक। अप्लीकेशन देखिए 20 जनवरी से चालू हो रहा है और 19 फरवरी तक होगा,
और लास्ट डेट आपका जो है 19 फरवरी फी जमा करने का है, और करेक्शन डेट जो है 20 से 29 फरवरी तक है, ठीक ना। एग्ज़ाम के लिए अभी कुछ बताया नहीं है, और एडमिट कार्ड कब तक आएगा ये भी अभी नोटिफाई सून लिखा हुआ है, ठीक। एज आपका 18 से 30 साल दिया हुआ है, और जो छूट आप देखे ही हैं, और टोटल वैकेंसी आज आप जानते हैं 5,696 है, और इसमें देखिए रेलवे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है जैसा कि आप अभी देखे ही हैं।